वार्म होल दो जगह के मिलियंस ऑफ लाइट ईयर के डिस्टेंस को जोड़ने का एक शॉर्टकट तरीका है, और इसकी मदद से खोजे गए दूसरे प्लेनेट में हम कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। वार्म होल का ये कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं, असल में ये साइंस पर बेस है। क्या होते हैं ये वार्म होल्स, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी तो उन्होंने इसे एक इक्वेशन में करके लिखा, और इसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन कहा जाता है, और 25 नवंबर 1915 में इसे रिलीज किया गया था, और इसे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस इक्वेशन ने बताया था कैसे मैटर और इनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक केस स्टडी से समझते हैं। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए कहा था, इमेजिन करते हैं एक मेस है और मेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते ही बेंड डाउन हो जाता है, और स्पेस टाइम का मेस भी इसी तरह बेंड हो जाता है बड़े बड़े स्टार के वेट से। और आइंस्टाइन इससे पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाए थे, और 1916 में पहली बार कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। इन्होंने कैलकुलेट किया स्पेस टाइम का कर्व कितना बेंड होता है और कैसे बेंड होता है एक स्मॉल बॉल ऑफ मास के केस में, और इसी की मदद से साइंटिस्ट ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को समझ पाया, और 2019 में पहली बार साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की फोटो ली। और फील्ड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन थे, पहला ब्लैक होल और दूसरा वार्म होल, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। वार्म होल के सॉल्यूशन का नाम है आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज। अब वार्म होल को टू डायमेंशन में समझते हैं। इस पेपर को देखिए, इसमें दो पॉइंट है ए और बी, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, और थ्री डायमेंशन में जब इसे बेंड करते हैं तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ mm का हो जाएगा, और वार्म होल भी यही करता है। हमारे थ्री डायमेंशन गैलेक्सी में सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता 2.5 मिलियन लाइट ईयर का है। इस थ्री डायमेंशन डिस्टेंस को फोर डायमेंशन में कन्वर्ट किया जाए तो हो सकता है इससे भी छोटा रास्ता निकल पाए। और वार्म होल का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरिटिकल है, आज तक किसी ने भी वार्म होल को नहीं देखा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।